कासगंज जनपद के विकासखंड सहावर के ब्लॉक सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कासगंज जनपद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चौहान के निर्देशन में तहसील इकाई सहावर की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष उवेद अली ने की, जिसमें सर्वसम्मति से तहसील इकाई की कमेटी का गठन किया गया और नवनियुक्त पदाधिकारी व सदस्यों का माल्यार्पण करते हुए शपथ ग्रहण कराई गई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में मौजूद रहे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष राम नरेश चौहान ने कार्यकारिणी सदस्य एवं नव नियुक्त कार्यकारिणी के संपूर्ण लोगों को शपथ ग्रहण कराते हुए अपने अपने दायित्व का निर्वहन निष्पक्षता के साथ करने की सलाह दी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यों से कहा कि संघीय शक्ति कलयुगे के आधार पर पत्रकारों के ऊपर हो रहे जुल्म और फर्जी तरीके से माफियाओं के कारण फर्जी मुकदमे थानों में दर्ज कराकर निष्पक्षता पर कुठाराघात हो रहा है। सहावर पर जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें सहावर तहसील इकाई का गठन किया गया है और इस इकाई में पांचों पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी 2 मार्च को होने वाली बैठक में सारी औपचारिकता पूर्ण करके संगठन का कार्यभार संभालने के बाद ये हमारे अनूप सिंह चौहान को ये सारी जिम्मेदारी देगी। अगर अध्यक्ष जी बात करें, कल यूपी सरकार का बजट पेश हुआ है, ऐसे में पत्रकारों के लिए क्या कुछ सुविधाएं, ऐसे कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, क्या कुछ है कुछ खास पत्रकारों के लिए? पत्रकार यूपी सरकार का जो बजट पेश हुआ है उसमें पत्रकारों के साथ उपेक्षा की गई और पत्रकारों के लिए कोई भी बजट में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। इससे पत्रकारों में रोष भी व्याप्त है और पत्रकार संगठन मांग करते हैं कि अगर पत्रकारों के हितों में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई तो पत्रकार संगठन आंदोलन के लिए बात करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।